कल जो हमारा प्रदर्शन हुआ है यहाँ अपने डोगरा चौक के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन संबंधित भारतीय मजदूर संघ ने कल प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है, और हम लोग मेमोरेंडम देने के लिए वहाँ लड़कियाँ हमारी इकट्ठी हुई थी और एजिटेशन हमने शुरू की थी, तो वहाँ पुलिस ने हमारे साथ धक्का मुक्की शुरू किया और मैन हैंडलिंग की गई, लड़कियों के साथ धक्का मुक्की करके उनको जबरदस्ती अरेस्ट करके ले जाया गया और अरेस्ट उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और पुलिस ने जबरदस्ती उनको अरेस्ट करके पुलिस लाइन में जाकर शाम को 3:30 बजे छोड़ा गया। पुलिस ने भी गलत तरीके से कमेंट कर वहाँ किए हैं, और इसी को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर इनकी पिछली 10 महीने की तनख्वाह ये पेंडिंग है, अप्रैल 2022 से लेकर टिल डेट तक पेंडिंग है, 3 महीने की तनख्वाह जो 2019 की पेंडिंग है और 2018 के एरियल पेंडिंग है, ये सारी चीज़ें पेंडिंग होने के बावजूद इन वर्करों ने वहाँ एजिटेशन कर शुरू की और एजिटेशन को ज़बरदस्ती दबाया जा रहा है। आने वाले दिनों में सरकार जितना दबाने की कोशिश करेगी ये आंदोलन उतना ही तेज होगा, और आंगनवाड़ी वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन ने फैसला किया है कि अब आंदोलन ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे, हर हेडक्वार्टर पे आंदोलन इसी महीने से शुरू होगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार पर हो। कल हमारा जो प्रोटेस्ट था आंगनवाड़ी वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से रखा गया था, और अपनी डिमांड्स जो थी वो सरकार तक पहुंचाने के लिए हमारी बहनें इकट्ठा हुई थी, तो जो पुलिस ने हमारे साथ बदतमीजी की, भारतीय मजदूर संघ की मैं जिम्मेदार कार्यकर्ता होते हुए मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत गंदे कमेंट पास किए, नारी शक्ति का बहुत सारा शोषण किया, तो मैं इसकी बहुत निंदा करती हूँ क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, और जो पुलिस वाले वहाँ पे वो प्रोटेक्शन के लिए खड़े थे हमारे, ना कि हमें गिरफ्तार करने के लिए। उन्होंने सब बहनों को बहुत हरास किया, हरास करके इनको गिरफ्तार करके वो पुलिस स्टेशन ले गई। हमारा धरना प्रदर्शन पीसफुली चल रहा था, हमारी बहनें अपनी डिमांड रख रही थी वहाँ पे, तो पुलिस को धक्का मुक्की करने के लिए नहीं छोड़ा था।